एक तरफ जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वहीं दूसरी ओर ट्रांसपोर्टेशन के साधनों के किराए में भी लगातार बढ़ोतरी का दौर देखा जा रहा है। अब इन सब के बीच भला एयरवेज कैसे पीछे रह सकता है? हवाई यात्रा भी अब महंगा हो रहा है। हवाई यात्रा के महंगा होने से कहीं न कहीं प्रधानमंत्री के सपने को धक्का लग सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हवाई चप्पल वाला भी अब हवाई यात्रा कर सकेगा, लेकिन हवाई जहाज के सफर करने वाले नॉर्मल यात्रियों के लिए भी ये बड़ी खबर है। तो फिर हवाई चप्पल वाले का हवाई यात्रा कर पाना तो उनका सपना ही रह जाएगा। सोमवार को जेट फ्यूल या एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों में तेजी के कारण ATF में 6.5% की बढ़ोतरी हुई। सरकारी तेल कंपनियों ने ATF की कीमतों में 3,663 रुपए प्रति किलोलीटर की बढ़ोतरी की। जेट फ्यूल में बढ़ोतरी के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इसकी कीमत 69,491 रुपए प्रति किलोलीटर हो गई। ATF के दाम बढ़ने से फ्लाइट टिकट के दाम भी बढ़ सकते हैं। वहीं फरवरी से जेट फ्यूल की कीमतों में ये तीसरी बढ़ोतरी है। इसके पहले 16 फरवरी को कीमतों में 3.6% और 1 फरवरी को 3,246.75 रुपए प्रति किलोलीटर की बढ़ोतरी हुई थी। एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी उन एयरलाइनों के मार्जिन में कमी लाएगी जो महामारी के चलते यात्रा प्रतिबंधों के बीच अपनी क्षमता से कम उड़ान भर रही हैं। ग्लोबल इकोनॉमी में तेजी आने की उम्मीद और व्यापक स्तर पर कोरोना वैक्सीन लगने से तेल की मांग में सुधार की वजह से ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें सोमवार को बढ़कर 65.49 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल हो गई। एविएशन सेक्टर में एयरलाइंस कंपनियों का 40-50% खर्च जेट फ्यूल की खरीद पर होता है। जेट फ्यूल के भाव में उछाल से फ्लाइट टिकट महंगा हो जाएगा। एयर टिकट के साथ साथ कार्गो के दाम भी बढ़ेंगे। फ्लाइट टिकट के दाम बढ़ने का असर यात्रियों की जेब पर पड़ेगा, तो फ्लाइट से सफर करने वाले लोगों की संख्या भी प्रभावित होगी। हमारी इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।